मूवी शुरू होती है एक जेसिका नाम की लेडी से, जो कि एक वकील जिसका नाम पाइक है उसके पास जाती है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जेसिका एक बूढ़े आदमी अर्नेस्ट की वाइफ है जो कि हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। जेसिका लॉयर पाइक को अर्नेस्ट की प्रॉपर्टी के कागज दिखाने आई हुई होती है क्योंकि पाइक अर्नेस्ट का लीगल लॉयर है। जेसिका पाइक को कहती है कि अर्नेस्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी है। हालांकि पाइक को जेसिका पर शक होता है क्योंकि जेसिका एक बहुत ही शातिर औरत होती है जिसने पैसों के लालच में ही अर्नेस्ट से मैरिज की थी और पाइक भी अर्नेस्ट का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि उसके दोस्त की सारी प्रॉपर्टी जेसिका को मिले। अब पाइक उस बिल को देखता है तो उसे जेसिका पर शक होता है और वो हॉस्पिटल में अर्नेस्ट को फोन लगाता है और उस बिल के बारे में पूछता है, जिसके बाद अर्नेस्ट भी उस बिल को सही बताता है, जिसके बाद पाइक को भी थोड़ा अजीब लगता है और वो अर्नेस्ट के डॉक्टर से भी बात करता है जिसका नाम रॉबर्ट है। और पाइक रॉबर्ट से पूछता है कि क्या अर्नेस्ट इस हालात में है जो इस तरह के फैसले अपने पूरे होशो आवाज में कर सके, जिसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि अर्नेस्ट ऐसे डिसीजन ले सकता है, जिसके बाद पाई को जेसिका पर यकीन हो जाता है और वो जेसिका से पेपर्स रेडी करने के लिए कुछ समय मांगता है। अब जेसिका घर पहुंचती है जहां हमें वही डॉक्टर रॉबर्ट भी मिलता है और हमें यहां पता चलता है कि रॉबर्ट जेसिका का लवर है और वो दोनों ही अर्नेस्ट की इस हालात के जिम्मेदार है क्योंकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी हत्याना चाहते थे और रॉबर्ट ने ही हॉस्पिटल में अर्नेस्ट को हिप्नोटाइज करके अर्नेस्ट की पाइक से बात करवाई थी। अब रॉबर्ट उसे हॉस्पिटल में हुई सारी घटना के बारे में बताता है कि किस तरह उसने अर्नेस्ट को हिप्नोटाइज करके पाइक की बात करी थी, जिसके बाद जेसिका को अपने बूढ़े हस्बैंड पर थोड़ा रहम आता है। लेकिन रॉबर्ट बहुत ही चालाक और पैसों का लालची था। वो जेसिका को कहता है कि उसे सिर्फ अर्नेस्ट की प्रॉपर्टी से मतलब है, अर्नेस्ट मरे या जिंदा रहे इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेसिका फिर से लॉयर पाइक के पास पहुंचती है, जहां पाइक जेसिका को प्रॉपर्टी के कुछ शेयर्स के डॉक्यूमेंट दे देता है पर उसे कहता है कि सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे 15 दिनों बाद मिलेंगे और साथ ही वो जेसिका को कहता है कि इसी बीच में अर्नेस्ट को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बची हुई प्रॉपर्टी जेसिका को नहीं मिल पाएगी और उस प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का हक हो जाएगा। अब जेसिका उस असेट को बेचकर कुछ पैसे ले आती है और में आकर उन पैसों को छिपा देती है और जेसिका को यह करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि जेसिका उसे धोखा दे रही है। लेकिन जब जेसिका को लगता है कि रॉबर्ट को उस पर थोड़ा शक हो रहा है तो वो उन सारे पैसों के बारे में रॉबर्ट को बता देती है और साथ ही रॉबर्ट को यह भी कहती है कि अर्नेस्ट का जिंदा रहना उसके लिए कितना जरूरी है, जिसके बाद वो दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट को अर्नेस्ट के रूम से उस मशीन की आवाज आती है जिस मशीन से रॉबर्ट ने अर्नेस्ट को हिप्नोटाइज किया था। अब वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहां रॉबर्ट को पता चलता है कि अर्नेस्ट मर चुका है, जिसके बाद रॉबर्ट उसे सीपीआर देने लगता है ताकि वो किसी तरह उसे बचा सके। वो लोग किसी भी हालत में अर्नेस्ट को मरने नहीं देना चाहते थे लेकिन अर्नेस्ट अब मर चुका था। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं लेकिन चालाक रॉबर्ट जेसिका को कहता है कि हम अर्नेस्ट की मौत के बारे में तब तक किसी को नहीं बताएंगे जब तक हमें पूरे पैसे नहीं मिल जाते। लेकिन जेसिका कहती है कि पैसे मिलने में अभी बहुत दिन है और अर्नेस्ट की बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी जिस कारण सभी को पता चल जाएगा, लेकिन रॉबर्ट इतनी आसानी से पैसों को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता है, जिसके बाद वो कहता है कि हम अर्नेस्ट की बॉडी को फ्रिज में रख देंगे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अर्नेस्ट की बॉडी को लेकर बेसमेंट में रखे हुए एक फ्रीजर में रख देते हैं जिससे कि बॉडी खराब ना हो और आसपास के लोगों को भी अर्नेस्ट की मौत के बारे में पता न चले। हालांकि अर्नेस्ट के परिवार में सिर्फ जेसिका ही थी। अब अगले दिन जेसिका डर के कारण और असेट को बेचकर और पैसे लेकर घर पे आती है और उसी सेफ जगह पर रख देती है, लेकिन तभी उसे बेसमेंट में से किसी की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और तभी वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है। जेसिका उसे कहती है कि उसने यहाँ पर किसी के दर्द से कहराने की आवाज सुनी, लेकिन रॉबर्ट उसे उसका वहम बताकर उसे हॉल में ले आता है। लेकिन अब जेसिका बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और इधर रॉबर्ट अपने कमरे में जाकर अपने आप को हिप्नोटाइज करके सो जाता है। लेकिन इधर जेसिका की नींद तो अब उड़ चुकी थी, वो अकेले ही टाइम पास करने लगती है, लेकिन उसे फिर से वही आवाजें आने लगती है और वो एक बार फिर से उसी बेसमेंट में जाती है और उसे पता चलता है कि आवाजें और कहीं नहीं बल्कि उसी फ्रिज से आ रही थी जहाँ पर अर्नेस्ट की बॉडी रखी हुई है। जेसिका डर कर रॉबर्ट के पास जाती है जहाँ रॉबर्ट तो सो रहा होता है, जिसके बाद जेसिका पूरी रात डर के साए में गुजारती है। अब अगली सुबह जेसिका रॉबर्ट को सारी बात बताती है लेकिन रॉबर्ट को जेसिका पर यकीन नहीं होता है। लेकिन वो जब जेसिका के कहने पर बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि आवाज उसी फ्रीजर में अर्नेस्ट की बॉडी से आ रही थी और अब उसे भी यकीन होने लगा है कि अर्नेस्ट की बॉडी ही है जो ये भयंकर आवाज कर रही है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता और जब रॉबर्ट उस बॉडी को बात करता हुआ देखता है तो वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। रॉबर्ट उस बॉडी से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो बॉडी कहती है कि मैं तो मर चुका हूँ लेकिन मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो मेरी बॉडी को यूज कर रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं
लेकिन किसी तरह रॉबर्ट जेसिका का डर खत्म करने के लिए उसे कहता है कि अर्नेस्ट की मौत के समय वो तो हिप्नोटाइज था, यही कारण था कि वो बात कर पा रहा था। अब रॉबर्ट अपने किसी मीटिंग के लिए घर से बाहर जाता है, लेकिन जेसिका उसे जाने से रोकती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन रॉबर्ट उसे समझाता है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसे स्ट्रेस फ्री की कुछ मेडिसिन देकर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन जेसिका का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, वो अपने घर में नहीं रुकना चाहती है और वो बाहर जाकर गार्डन में बैठ जाती है। अब जब शाम होने पर वो घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि रॉबर्ट पहले ही घर पहुंच चुका है और उस बॉडी से बात कर रहा है और उसे पूछ रहा है कि वो कौन है और मरने के बाद भी वो उससे कैसे बात कर रही है। तब वो बॉडी कहती है कि वो किसी और दुनिया में है, जहाँ उसे कई सारे लोग नजर आ रहे हैं जो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बॉडी की ऐसी अजीब सी बातें सुनकर रॉबर्ट चौंक जाता है। अब रॉबर्ट उस बॉडी की बातें सुनकर बहुत ही उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ये किस तरह की मेडिकल सिचुएशन है जो वो डॉक्टर होते हुए भी समझ नहीं पाता है। अब अगले दिन जब वो बॉडी से बात करने की कोशिश करता है तो बॉडी उससे मदद मांगती है और कहती है कि तुम मेरी बॉडी को हिप्नोटाइज कंडीशन से बाहर निकालो, वरना यहाँ मौजूद लोग मुझे काबू में कर तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम भी मारे जाओगे। तभी वहां पर जेसिका आती है और उस बॉडी पर गन से शूट कर देती है क्योंकि उसे अर्नेस्ट की बॉडी से खतरा महसूस हो रहा था। ये देख रॉबर्ट उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अब हम लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अर्नेस्ट की मौत एक नॉर्मल मौत थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी पर गोली के निशान लग गए हैं। अब जेसिका उसे कहती है कि हम अर्नेस्ट की बॉडी को गार्डन में ही दफना देंगे और बाकी के लोगों को बता देंगे कि उसे उसके विलेज में दफना दिया है, क्योंकि अर्नेस्ट की यही आखिरी इच्छा थी। अब रॉबर्ट भी समझ चुका था कि उनके पास बस यही एक रास्ता बचा है। अब रॉबर्ट भी जेसिका की बात मानकर गार्डन में गड्ढा खोदने लगता है। तभी जेसिका को एक बार फिर से बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है। जब वो जाकर देखती है तो उसे अर्नेस्ट की बॉडी स्टेयर की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखती है। अर्नेस्ट की बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही होती है, जिसके बाद जेसिका डर जाती है और अपने कमरे में भागती है और गन लेकर आती है और वो अर्नेस्ट पर शूट करती है, लेकिन अब उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब गन की आवाज सुनकर रॉबर्ट भी वहां पर आ जाता है, जहां वो देखता है कि जेसिका की बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है और वो अर्नेस्ट को भी देखता है। और अब इसी बीच रॉबर्ट अर्नेस्ट को उस हिप्नोटाइज से बाहर निकाल देता है, जिससे अर्नेस्ट की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले अर्नेस्ट रॉबर्ट को कहता है कि ये अब वो लोग जिन्होंने मुझे काबू में कर जेसिका की जान ली है, वो लोग अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब रॉबर्ट अर्नेस्ट की बात सुनकर डर जाता है। अब डर के कारण रॉबर्ट उस सेफ में रखे हुए सारे पैसे जो जेसिका ने छिपा के रखे थे उन्हें लेकर वहाँ से मोटेल में चला जाता है, जहाँ वो डर के कारण उसी हिप्नोटाइज मशीन से अपने आप को नींद में सुला देता है। और अब रात होने पर हमें उन्हीं लोगों की शेडो नजर आती है जिसके बारे में अर्नेस्ट ने रॉबर्ट और जेसिका को बताया था। अब उस रूम में एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है और वो हिप्नोटाइज मशीन सीधा आकर रॉबर्ट की चेस्ट में घुस जाती है, जिस कारण रॉबर्ट भी मारा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मोटेल का मैनेजर पुलिस को लेकर आया है क्योंकि उसने रॉबर्ट के रूम में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, जिस कारण वो डर गया था और पुलिस को लेकर आया है। अब जैसे ही वो पुलिस वाले रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि बेड पर सिर्फ खून ही खून है, उन्हें कहीं भी रॉबर्ट की बॉडी नजर नहीं आती है। अब थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले देखते हैं कि रॉबर्ट की बॉडी अब पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में है, जिस तरह अर्नेस्ट की बॉडी किसी और के कंट्रोल में थी और रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा भयानक नजर आ रहा था। अब ये सीन देखकर वो पुलिस वाले भी डर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने उन पुलिस वालों को भी आखिरकार मार दिया है। असल में जब अर्नेस्ट की मौत हुई थी तब वो भी हिप्नोटाइज था और जब रॉबर्ट भी मारा गया था तब वो भी सेल्फ हिप्नोटाइज था। यही कारण है कि रॉबर्ट भी मरने के बाद जिंदा हो गया है और वही लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने अर्नेस्ट को कंट्रोल किया था। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।